अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोर महनूर। ओके सो एज यू गाइस नो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर, रीडर, मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग का भी शौक है। और रिसेंटली हुआ कुछ यूँ, मेरा पेंटिंग का बहुत दिल कर रहा था और मेरे पास एक भी कैनवस मौजूद नहीं था, छोटा भी नहीं, मतलब एक भी नहीं था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स हाई टाइम कि हम आर्ट सप्लाइज़ की शॉपिंग करें। और मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया भी था, तो आप लोगों से मैंने हॉल का पूछा था एंड अलॉट ऑफ यू गाइज सेड कि जी हमें हॉल चाहिए। सो हेयर इट इज़, आर्ट सप्लाइज हॉल। सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हॉल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला पार्सल खोलने लगी हूँ। दो ही स्टोर से शॉपिंग की है मैंने, एक पारस आर्ट फीवर से, एक माया ट्रेडर से, दोनों के स्टोर का लिंक भी ऐड कर दूंगी। तो इसको जी हम पहले खोल लेते हैं। ओ माय गॉड, सच बताऊँ ना, ये सब देखे ना ऐसे मेरी रूह को सुकून मिल गया है। ओके आई एम एक्साइटेड। सबसे पहले हमारे पास है ये माउंट मार्टे का छोटा सा क्यूट सा मिनी कैनवस एंड ईजल का सेट। ये मेरे पास ऑलरेडी एक है, दीवार पे जो फ्लोटिंग शेल्फ है उसके ऊपर रखी हुई है मैंने। बहुत क्यूट लगता है छोटा सा कैनवस, आई थिंक इट्स सो क्यूट। डेकोरेशन पीस के लिए भी काफी अच्छा है, आप इस पे कुछ भी अच्छे सा पेंट करके इसको कहीं भी रख सकते हो अपने रूम में। सेकंड जी मैंने यहाँ से मंगवाए थे ये दो वुड के, क्या बोलेंगे उसको, आई थिंक वुड एंड लॉग का स्लाइस है ये, इस पे पेंटिंग वगैरह करते हैं। अभी कुछ मैं इंस्पो लगाऊंगी, आप देख सकते हो। तो यस ये दो मंगवाए थे मैंने, काफी सस्ते मिल जाते हैं, ये दरख्त का समझो बस स्लाइस है ये। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने मंगवाए थे एक्रेलिक पेंट्स अलग अलग से, मेरे पास जो ऑलरेडी 6 है ना वो बेसिक कलर्स हैं। तो उसके अलावा कोई कलर चाहिए तो उनको कुछ मिक्स विक्स करके कुछ नया बनाना पड़ता है, इसलिए 3 मंगवाए। माउंट मार्टे के बाय द वे, और 75 ml की ट्यूब है, मैंने यूज किए हुए बहुत अच्छे हैं। तो इसमें एक ये पर्पल कलर मंगवाया है मैंने, और एक टर्कोइज कलर मंगवाया है, और एक ये वाला ऑरेंज वाला। मैं ना सनसेट्स और ओशंस बहुत पेंट करती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये टर्कोइज ब्लू टाइप कलर चाहिए था और ऑरेंज भी चाहिए था। तो यस ये थे जी मेरे पेंट कलर। इसके अलावा जी मैंने ऑर्डर किए थे ये वुडन क्ले टूल्स, मैंने रिसेंटली रील्स देखने शुरू किए, उसमें जो लोग एयर ड्राई क्ले और मॉडलिंग क्ले से कुछ ना कुछ बनाते हैं ना, तो उसके लिए टूल्स चाहिए होते हैं उसको शेप देने के लिए, मोल्ड देने के लिए। मैं आगे दिखाती हूँ कि मैंने एयर ड्राई क्ले भी मंगवाई है क्योंकि। हाँ जी ये आ गई जी एयर ड्राई क्ले, इसको मॉडलिंग क्ले भी कहते हैं, दास नाम है इस ब्रांड का, इटली की बनी हुई है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मैंने 2-3 लोगों से सुना है इसके बारे में। 500 ग्राम यानी कि 1/2 kg का पैक है ये, और मुझे ये 990 की कुछ पड़ी थी। अभी ना पिंटरेस्ट में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा के दिखा रही हूँ, आप इस मॉडलिंग क्ले से ना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ भी बना सकते हो जो आपका दिल करे, कुछ भी शेप दे सकते हो, मट्टी है बस ये एक तरह से। मैंने कुछ टाइम पहले भी मंगवाई थी, बस मुझसे गलती ये हुई कि वो थोड़ी सी खुली रह गई मुझसे और हवा आई तो जाहिर वो पूरी सूख के एकदम पत्थर बन गया, तो ज़ाया हो गई थी वो। तो बस ये ध्यान रखना कि जब काम हो जाए तो उसको अच्छे से एयर टाइट पैक करके रखना। अभी देखो ये कितनी सॉफ्ट है, मैं हाथ जैसे कर रही हूँ तो पूरी दब जा रही है, बहुत सॉफ्ट है अभी ये, बट जैसे इसमें थोड़ी सी हवा लगती है ना ये ड्राई हो जाती है। सो यस ये थी जी दास की मॉडलिंग क्ले जो कि 1/2 kg है। अच्छा इसके अलावा ये ब्रशेस का सेट मंगवाया था, 4 ब्रशेस इसमें, इसको मंगाने का पता है मेन मकसद बस ये था कि इसमें जो बड़ा वाला ब्रश है ना मुझे वो चाहिए था, क्योंकि जो बड़े कैनवस होते हैं ना उसमें जब आप बैकग्राउंड कलर देने लगते हो ना तो छोटे ब्रश से करो तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मुझे ज़रा ये बड़ा ब्रश चाहिए था जिससे फटाफट से बेस कलर हो जाए। और पता है सेम ये ब्रशेस का सेट मैंने लोकल एक शॉप में पता किया था, वहाँ पे 700 का मिल रहा था, अभी मुझे ये 300 कुछ का मिल गया चारों ब्रशेस, और इसके ब्रशेस भी काफ़ी सॉफ्ट हैं और सारे ब्रश का मतलब अलग अलग साइज़ है तो काम आएंगे अच्छे से। अच्छा ब्रशेस के अलावा मैंने ये एक वाटर कलर स्केच बुक मंगवाई थी A4 साइज़ में, और 16 शीट्स हैं इसमें। अच्छा ये ना कोल्ड प्रेस टेक्सचर्ड पेपर है, तो मतलब आप इससे वाटर कलर यूज़ करो, एक्रेलिक यूज़ करो, पेन इंक वाले पेन या मार्कर, कलर्ड पेंसिल, पेंसिल, चारकोल, कुछ भी यूज़ करो अच्छे से काम चलेगा। पेपर्स थोड़े से थिन है लेकिन बाकी सारे जो स्केचबुक्स थी ना वो बहुत महंगी थी, ये मुझे सबसे सस्ती मिली तो बस मैंने यही ले ली। उसके बाद जी ये है, दिस इज समथिंग आई वाज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है ना तो आपने ये चीज कहीं ना कहीं देखी भी होगी। इसको जी कहते हैं कटिंग मैट। अब आपने कुछ मोल्ड करना हो, कुछ कट करना हो, पेपर वगैरह कट करना हो, पेंटिंग इनफेक्ट करनी हो, ग्लू वगैरह लगाना हो ना, तो इसको रख के इसके ऊपर आप पेंट करो, आप कटिंग करो, तो इससे आपका जो टेबल टॉप है वो खराब नहीं होगा, प्लस मेजरमेंट्स वगैरह भी गिवन है, सेंटीमीटर्स नीचे स्केल बना हुआ है, डिग्री वगैरह गिवन है, तो मतलब आसानी हो जाती है आर्ट एंड क्राफ्ट में। मैं बहुत टाइम से आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस में देखती आ रही हूँ लोगों के पास टेबल पे नीचे रखा होता है, एंड आई गॉट इट, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत मोटा है और बहुत रिजिड है, मतलब ना ये स्लिप नहीं करेगा। तो एक ये भी फायदा है इसका कि आप इस पर पेंटिंग रखे करो, पेपर रखे कुछ काम करो तो स्लिप भी नहीं होगा ये। बाकी इसमें 4 साइजेस गिवन थे, मैंने आई थिंक A3 लिया है और उसकी जो मेजरमेंट है वो है 45x30 cm। तो यस ये था जी मेरा कटिंग मैट। अब हम लोग आई थिंक ये पार्सल कंप्लीट हो गया, अभी जब मैंने सारी चीज़ें दिखाई है ना, ये पारस आर्ट फीवर से ली थी मैंने। अब जी मैं खोलने लगी हूँ ये वाला पैकेज और देखते हैं साथ में किसमें क्या है। ओके जी पैकिंग शेकिंग खोल ली है, बहुत सारे कैनवस हैं, ये जी कैनवस का सेट, सम मोर कैनवस, थोड़ी सी पेंटिंग और ब्रशेज, इवन मोर कैनवस एंड अनदर कैनवस।
काफ़ी सारे कैनवास मंगवाए मैंने। सबसे पहले है जी ये वाला कैनवास, इसका साइज़ है 12x18 inches में बता रही हूँ। प्राइम्ड कैनवास है, मतलब रेडी है बिल्कुल, इस पर आप डायरेक्टली पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने पहले भी मंगवाया, सेम साइज़ काफ़ी अच्छा रहता है। ये मैंने सबसे बड़ा कैनवास मंगवाया आज तक मेरी लाइफ का, सबसे बड़ा कैनवास, आई मीन दिस इज़ ह्यूज। इसका साइज़ है 18x24, ये 290 का लिया था मैंने, बहुत बड़ा कैनवास है ये। ऑनेस्टली मेरे पास कहीं रखने की जगह भी नहीं है उनको, लेकिन आई एम जस्ट टू एक्साइटेड बड़े कैनवास के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा ओके दिस वन, ओके लिसन अप, ये चीज़ मैंने बहुत टाइम से कार्ड में ऐड की हुई थी। मैं एक्रेलिक पेंटिंग जरूर करती हूँ, बट मैंने वाटर कलर पेंटिंग कभी भी नहीं की है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई एज वेल। ये जी है 12 ट्रांसपेरेंट वाटर कलर सेट, ये पूरा 10 बॉक्स में आता है और इस तरह से कुछ इसकी पैकिंग है, बहुत क्यूट सा लग रहा है आई मस्ट से। और इसको खोल लेते हैं तो ये जी है हमारे पास 12 कलर्स वाटर कलर है, और साथ में एक छोटू सा ब्रश भी दिया हुआ है, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली। इसको तो आप इवन रख के ट्रैवल करो और कहीं आपको अच्छी सीनरी दिखे वहीं पेंट करने बैठ जाओ, ऐसी वाइब आ रही है। तो यस, ये थे जी वाटर कलर। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये पेंटिंग की एक पूरी डील है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। 1595 की पूरी डील मिली थी, इसमें 28 पीसेज हैं, और पहले भी इस डील की मैं बहुत तारीफ कर चुकी हूँ, काफ़ी अमेजिंग डील है। अगर आप एज अ बिगनर पेंटिंग करना चाह रहे हो ना, ये डील ले लो, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और अभी जो ये डील मेरी कजन ने मंगवाई है, क्योंकि थोड़ा पेंटिंग स्टार्ट कर रही है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल कि आप भी ले लो, मतलब अफोर्डेबल भी और सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले ये कैनवास का इसमें पैक है, इसमें चार कैनवास हैं, ये सबसे छोटा वाला 6x6 inches का है, देन ये वाला 8x8 inches का है, ये 10x10 का, और ये बड़ा वाला है ये 12x12 inches का है। एंड यस, सारे के सारे प्राइम्ड कैनवास हैं, यू कैन जस्ट स्टार्ट पेंटिंग राइट अवे। हाँ जी, तो इस डील में तो ये कैनवास का सेट थे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको मिलती है वो है ये प्लास्टिक की कलर मिक्सिंग पैलेट। ये वाली पैलेट काफ़ी अच्छी है, मैंने जब अपनी डील लास्ट ईयर खरीदी थी तब मुझे भी ये मिली थी, और मैं दिखा देती हूँ अपनी वाली भी, ये रही। और जब से मैंने ली तब से मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ, कि यही मेरे पास मिक्सिंग पैलेट है। एंड यस, क्वालिटी अच्छी है, इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती। अच्छा, ये थी दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ जो आपको उस डील में मिलेगी वो है ये वैल्यू पैक ऑफ ब्रशेज। इसमें ये 10 मल्टी शेप ब्रशेज हैं, एंड अगेन यस, मैं अभी तक जो ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ वही डील वाले सेम यही ब्रशेज हैं, एंड अभी तक काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ब्रिस्टल्स बहुत सॉफ्ट हैं, बस एक टिप ये है कि इस्तेमाल करने के फौरन बाद इसको वॉश वगैरह करके ड्राई कर देना, अगर पेंट लगा हुआ छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लास्ट चीज़ जो आपको उस डील में मिलेगी ना, वो है ये पैक ऑफ 12 एक्रेलिक पेंट। इसमें ना ये 12 ट्यूब्स होती हैं। अच्छा, मुझे देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, मैं अपनी लेके आती हूँ एक सेकंड। ओके, आई वॉज राइट, साइज डेफिनेटली छोटा कर दिया इन लोगों ने इसका। राइट हैंड में जो है वो मेरी अपनी है, जो कि मैंने लास्ट से लास्ट ईयर ली थी, और ये वाली न्यू है, ये इसका साइज़ है न्यू वाली का। अब साइड बाय साइड में अपनी वाली और ये साथ रख के दिखाती हूँ, डिफरेंस तो डेफिनेटली है। मेरी वाली जो ट्यूब्स थी वो काफ़ी बड़ी थी, ये थोड़ी छोटी हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राइस जो है इसके उस हिसाब से टोटली वर्थ इट है, काफ़ी अच्छी डील मिल रही है अभी आपको। ये इस डील का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये थी जी हमारी पेंटिंग डील, जो कि बिगनर फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अच्छा, इसके अलावा बाकी और क्या चीज़ें बची हैं? कैनवास है आई थिंक। हाँ, ये जी एक कैनवास का सेट है, और ये एक और कैनवास का सेट है। ये जो है पैक ऑफ 5 वाला सेट है, इसका लिंक मैं पैक ऑफ 5 के नाम से डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इसमें 5 कैनवास होते हैं अलग अलग साइज़ के, दो मैंने इसलिए मंगवाए, मैंने कहा फिर खत्म हो जाएंगे दोबारा मंगवाने पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, तो इस बारे मैंने 2 मंगवा लिए। सच्ची बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा मैं ये इन दो बड़े वाले कैनवास के लिए एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े जो हैं। तो यस, आई थिंक ये था जी हमारा आज का आर्ट सप्लाइज AKA पेंटिंग सप्लाइज शॉपिंग हॉल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं ना पेंटिंग का कोई प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं। बाकी यस, सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था जी आज का आर्ट सप्लाइज हॉल, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।